और ये अद्भुत तस्वीरें आप देख रहे हैं दिन में, हालांकि बयान आया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का, कि वो बीते 10 साल की जो सरकार है उस पर किस तरह से हमला करें, लेकिन ये तस्वीरें आपस में हाथ मिलाते हुए जो हमने दिखाई, और अब ये भीतर की तस्वीरें हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह दोनों दिखाई दे रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की ये मुलाकात है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं लोकसभा चुनाव के दौरान, उसके प्रचार के दौरान एक दूसरे के खिलाफ तीखे बोल दोनों ने ही कहे थे, लेकिन अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ये मुलाकात उनकी हो रही है मनमोहन सिंह से, पूर्व प्रधानमंत्री। हालांकि इस मुलाकात का या बातचीत का एजेंडा क्या है ये थोड़ी देर में साफ हो जाएगा, तस्वीर स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन ये तस्वीरें बहुत दिलचस्प। और वो भी इसलिए जरूरी हो जाता है यहाँ पर स्वाति, शायद क्योंकि 1 साल में हमने कोई इस तरह का हमला नहीं देखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब शपथ ग्रहण की थी उसके बाद भी मिलने भी गए थे पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से, लेकिन चूंकि लगातार निशाना साधा जाता रहा है, खासतौर से UPA 2 को लेकर, जिस तरह से भ्रष्टाचार और तमाम बातों को लेकर, और आज पूर्व प्रधानमंत्री आए सामने और उन्होंने न सिर्फ जो निशाने साधे जाते रहे केंद्र की सरकार की तरफ से उनका जवाब दिया, बल्कि ये भी कहा कि जो हम नीतियां लेकर आए थे एक तरीके से नाम बदल कर उन्हीं नीतियों को आगे ये केंद्र सरकार बढ़ा रही है। और मोदी सरकार के 1 साल पूरा होने के मौके पर भी पीएम मोदी ने UPA 2 UPA 1 के कार्यकाल को लेकर के जो बयानबाजी की थी उसमें कहा था उन्होंने कि रिमोट कंट्रोल से चलने वाली सरकार, और आज भी उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि गैर संवैधानिक संस्थाएं यूपीए को चला रही थीं। और ये इस वक्त मुलाकात की तस्वीरें बहुत ही दिलचस्प हैं, क्या बातचीत हो रही होगी दोनों के बीच ये भी